हाँ जी सत श्रीकाल जी, नमस्ते जी सारे नु, की हाल चाल जी? सारे ठीक ठाक हो? ओके जी, आप आज की जी वीडियो है वो लाए हैं एक इंपोर्टेंट इशू लाई। जिदा कि आप जानते हैं कि काफ़ी अपने वीर भैन भरा है जोड़े इंडिया फसे हुए हैं ना, जिन्हें रेडेंसियाँ मुक्की हुई हैं, तो वो इतने ट्रैवल करना चाहते हैं पर ट्रैवल नहीं कर सकते, क्योंकि पहली गलते हूँ फ्लाइट नहीं शुरू हुई, तो हूँ उन्होंने कोई ना कोई कन्फ्यूजन है कि रेजिडेंसी उन्होंने एक्सपायर हैगी, तो किदा प्रोसीड करना है, की करना है, तो ये बारे आज थोनों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे जी सानू मिली है। तो यदा जो मेन प्रोसीजर है वो स्टार्ट होना है 15 जून तो बाद। पहली गल मेरा वीर जी, ये चीज़ क्लीयर है कि तुसी एक्सपायर्ड रेजिडेंसी पर ट्रैवल नहीं कर सकते हो, भुल जाओ। पहला जो 1 जून का जो इन्हों का प्रोसीजरल एक्ट पास हुआ सी DGACR का, उसते सीगा कि मे भी तुसी ट्रैवल कर सकते हो, पर हुण क्लीयर करता उन्होंने एक्सपायर्ड रेजिडेंसी से तुसी ट्रैवल नहीं कर सकते। पर उदे उन्होंने एक सोल्यूशन निकाला है, जेडे भी बंदे अपने इंडिया फसे हुए ना, जिन्हां दे कोल ऑलरेडी रेजिडेंस परमिट पुर्तगाल दे हैगे, या जिन्हां दे कोल वीजे हैगे जेडे एक्सपायर हो चुके ने, या रेजिडेंस परमिट एक्सपायर हो चुके ने, उन्होंने दोबारा अपने लोकल एरिया दे विच जाके VFS भावे जलंधर, न्यू डेली, चंडीगढ़, जिहड़े भी हैगे मतलब लोकल, उत्थे जाके E6 वीजा अप्लाई करना पैना है। आई रिपीट, E4 इंग्लैंड, 6 वीजा, E6 वीजा। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स है थोनू, मेन मेन जो डॉक्यूमेंट्स है थोड़ा दस देना मैं, बाकी तुम VFS जाओगे तो एग्जैक्ट थोड़ी लिस्ट दे देंगे ना, पर बाकी जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो है थोड़े पासपोर्ट, रेजिडेंस परमिट, आखिरी IRS जो तुम अपनी IRS क्लीयर की है, जो नहीं की तो कोई चक्कर नहीं, जो हैगी तो शो करनी पैनी है अपनी लास्ट IRS, अपना जुनता फ्रेगजिया तो जुनता फ्रेगजिया, भावे एक्सपायर्ड हो कोई चक्कर नहीं, पर वो चाहिए जुनता फ्रेगजिया, लास्ट जो थोड़ा जुनता फ्रेगजिया है, थोड़ा बैंक अकाउंट, मिलेनियम, एक्टिवो, नोवो बैंक, कोई भी, वो दी सिर्फ जी स्लिप होंगी जी देते दे हैं, या मूर्ति बैंको वाली, या फिर जी देते हैं अकाउंट खोलते हो, स्लिप पेपर जहाँ देते हैं 4 साइज का, वो जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वर्क कॉन्ट्रैक्ट पुराना, भावे 6 महीने पुराना हो, 1.5 साल पुराना हो, साल पुराना, कोई चक्कर नहीं है, सैलरी स्लिप्स थोड़ी, ठीक है जी। तो एक चीज़ होर मांगते कि थोड़े को रिन्यूअल का अपॉइंटमेंट लैटर होना चाहिए, कि थोड़े को ऑलरेडी सेफ द रिन्यूअल का अपॉइंटमेंट लैटर है, पर हूँ सू सारे पता ही है कि अपॉइंटमेंट लैटर तो मिलते नहीं पे, क्योंकि सेफ ने तो ऑनलाइन रिन्यूअल शुरू किया ना, तो वो मांगते हैं या तो जिन्होंने कोल पुराने रिन्यूअल के लैटर पाए हैं वो ले आओ साढ़े को, कि फ्यूचर में डेट सी भावें कैंसिल होगी कोई चक्कर नहीं है, या फिर तुम SEFF.PT पर रजिस्टर करके अकाउंट जनरेशन करके स्लिप ले आओ कि साडा अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। हूँ सारे के वक्रे वक्रे केसिज है, किसी के कोल काम का कॉन्ट्रैक्ट से सेफ का अकाउंट नहीं सीगा, किसी के कोल डेट सी, किसी के कोल जुनता नहीं है, किसी के कोल कुछ है कुछ नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है किसी के कोल सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, पर ज्यादातर मेरे फ्रेंड्स का ऐदा ही हाल होना है जिन्होंने कोल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट नहीं होने ना, तो उसके लिए लास्ट के आप मेन डॉक्यूमेंट जो अटैच करना है वो है कवरिंग लैटर। उस कवरिंग लैटर के एक्सप्लेन करना है कि तुम ट्रैवल क्यों नहीं कर पाए, सस्पेंशन ऑफ फ्लाइट्स हो गई सी COVID-19 करके ना, इस एपेडेमिक की वजह से तुसी ट्रैवल नहीं कर पाए, तो वो कवरिंग लैटर के आप मेन रीजन जो है एक्सप्लेन करना है। वो कोई कवरिंग लैटर ऐदा नहीं है कोई वकील का टेस्ट कराना है या फिर सिग्नेचर टेस्ट कराना है, कुछ नहीं, मैं थोनू एक सिंपल जहा जो है सैंपल जहा वो थोनू मैं सेंड कर देंगे इस वीडियो के नाल ही, कि तुसी उन्होंने एडिट करके अपने नाम वगैरह चेंज करके तुसी सेंड कर सकते हो, बाकी जी ब्रीफिंग वगैरह तुसी उसमें एडिट कर सकते हो, बाकी जो थोड़ा होर कोई चाहिए उसमें डिटेल वगैरह इनफॉरमेशन चाहिए तो तुम मेरे व्हाट्सएप नंबर 9200333774 पे कॉन्टैक्ट करके मेरे से इनफॉरमेशन ले सकते हो। तो ये आज जरूरी इनफॉरमेशन सी जिहड़ी कि मैनू, टू बी ऑनेस्ट, ये मैं आप नहीं लिखती है, ये मैं एक फ्रेंड है, मैं उनका नाम भूल गया, सॉरी, मैं नाम जरूर मैनशन करूंगा वीडियो में, जिन्हों के फेसबुक अकाउंट से उन्होंने आप ईमेल की है फेसबुक वाले काउंसलर सर्विस पुर्तगाल न्यू डेली वालों, तो उन्होंने ईमेल आई है, बट ही इज अ ट्रस्टवर्दी पर्सन, तो इस करके मैं उन्होंने वीडियो आगे शेयर करता पाया, उन्होंने भी शेयर की है, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, तो मैं भी शेयर करता पाया कि ताकि जिन्हें जो उन्होंने जुड़े हैं वो उन्होंने पता लग जाए, जो मेरे नाल जुड़े उन्होंने पता लग जाए। ठीक है मेरे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।